तो बायोलॉजी हम लोग कल पढ़ रहे थे ना, श्वसन के बारे में पढ़े थे, याद है? श्वसन की क्रिया विधि के बारे में पढ़े थे। आज कल हम लोग श्वसन से संबंधित कुछ प्रश्न भी हल किए, आज उसके आगे की बात करेंगे। क्या है उसके बाद सहेली? स्वच्छवास हो गया शायद, तो पहले तो नहीं स्वच्छवास की बात कर लेते हैं आज। अच्छा अच्छा बात तुम लोग के लिए आ रहा है। पहले तो देखो, पढ़ाई से पहले 40 क्वेश्चन हम देता नहीं, 30 गो श्वसन संबंधी पूरा याद करके आना है, ठीक है? चलो लिखो, श्वसन संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, उत्तर भी लिखा दें। चलो सिरो तुम लोग, पहला क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताओ? उसमें छिपी है, उसमें सोसी है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उसमें छिपी है, उसमें सोसी है, एकदम सही बोलिए। चलो तो इसमें क्या होगा, उसमें छिपी लिख लेना बाबू, उसमें छिपी अभिक्रिया है, क्यों है उसमें छिपी अभिक्रिया है, अभिक्रिया है क्योंकि इसमें उष्मा बाहर निकलता है, उष्मा बाहर निकलता है, उष्मा बाहर निकलता है, याद हुआ? बताओ, कोई पूछेगा तो बता दोगे ना सब लोग? चलो तो क्वेश्चन लिखना है आपको कि फेफड़ों में, दूसरा है, फेफड़ों में क्वेश्चन नंबर 2 है, गैसों का आदान प्रदान किनके माध्यम से होता है, कुछ याद आ रहा है? किनके माध्यम से होता है? अच्छा एक बार पढ़ लो, याद आ गया, वायु कुपिकाओं के द्वारा, उत्तर में वायु कुपिकाओं के द्वारा, जल्दी जल्दी पूरा आइटम याद होना चाहिए, वायु कुपिकाओं याद कर लेना। वायु कुपिकाओं का मतलब जानते हैं ना, कि जब हवा जाता है तो कुपिकाएं के आकार बढ़ जाता है, आयतन का आकार बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है? किसमें? जब सांस लेंगे तो फूल जाता है, और जब छोड़ते हैं तो पचक जाता है, जान जा। हवा तब बाहर निकलेगी जब अंदर की वायु का आयतन अधिक हो जाएगा और बाहर की कम। चलो भाई, स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तीसरा है, स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ा द्वारा, एकदम सही बोलिए। अरे भाई आजकल तुम लोग पढ़ रहे हो, इतना गारंटी है कि तुम लोग कहीं खड़े हो जाओगे तो कोई ये नहीं कहेगा, सब लोग देख रहे कहेंगे दिस इज अ ग्रेट स्टूडेंट एंड वेरी क्वालिफाइड एंड इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल एंड करलुठी। मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों से विभाजित होता है, बताओ? मनुष्य में दायां माने राइट फेफड़ा कितने पिंडों से विभाजित होता है, सुनी तो बताइए, तो बताओ तो मान जाए। 3 कितना? 3। चला लिखा, उत्तर में है 3। क्वेश्चन नंबर 5, नहीं भैया 3 को 3 दाया भाग होता है, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु,
सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झीली का आरा होता है, कौन सा झीली का आवरण होता है, कौन सा बताओ? फेफड़ा के ऊपर कौन झीली होती है? प्लीवरा झीली। ये भी यार तुम लोग को जाएगा रात में, देख लेना उसको एक बार। जल्दी से सब याद कर लेना शिल्पी, मिटा इसको। क्वेश्चन नंबर 6, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा होती है कितना प्रतिशत बताओ? कब परसेंट? 4%। हाँ सही बोली भाई, सिर्फियाँ पढ़ती है। चलो, किसके ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहते हैं? किसके ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहते हैं बताओ? किसके? देखो श्वसन 24 घंटा चलता रहता है, ये ध्यान रखना। तो ग्लूकोज का है, जब हम भोजन करते हैं ना तो भोजन ग्लूकोज के रूप में ही रहता है, और फिर जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, फिर वो ग्लूकोज टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जो भोजन हम लोग कहते हैं ग्लूकोज के रूप में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में टूट जाता है, तो एक ना ग्लूकोज। 8वां क्वेश्चन आ गया, श्वसन जीवों में कितना घंटा चलता है बताओ? जीवों में श्वसन कितने घंटे चलता है? 2, 4, 8, 10 का घंटा? 24 घंटे। एकदम सही बोली, हर समय कौन बात हो? उत्तर 24 घंटे। मिटा देखा सर। नेक्स्ट श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक में कोई परिवर्तन नहीं होता है बताओ? एकदम सही बोलिए, नाइट्रोजन। 78% लेते हैं, 18% छोड़ देते हैं, टूटे में नाइट्रोजन निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कितने ऊर्जा का उत्पादन होता है और कितने ATP अणु बनते हैं बताओगे? 38 टोटल। दो को पायरो भी कमल नहीं जाता है तो उसी में जाके ये रह जाता है, अनाक्षी में दो ही बनता है, 36 बनता है, लेकिन जाके ये रह जाता है। अगर खाली कहीं कितने अणु बनते हैं तो 36, ये कहीं कुल कितने अणु बनते हैं तो 36 में एक दूसरे का 38 लगा। तुम्हें समझल कर
आक्षी श्वसन की क्रिया में कितने एटीपी के अणु बनते हैं? 38। ओके मिटा दे इसको। पास का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए भाई, सारा चीज आपके याद होना चाहिए। मिटा दे इसको। अब कह रहा है कि जब अनाक्षी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो इसे क्या कहते हैं? जब अनाक्षी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होता है तो इसे क्या कहते हैं? उसे किण्वन कहते हैं। किण्वन क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। तो लिख लीजिए, जब अनाक्षी श्वसन, सुनी तो एक बार जब अपने घर कही जाते देखिए भी शिल्पी जीवाणु और कवक में होती है, खराब है क्या? उसमें 33 को दे होता है तो उससे क्या कहते हैं? अरे उसमें तीन आदमी तुम बैठ जाओ, उनकी घुसा जी कहीं चले गए तो कुछ नहीं। क्या कहते हैं उत्तर में? किण्वन। किण्वन माने सड़ना। आक्षी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर होता है? किस भाग के अंदर तो बताओ। कोशिका द्रव माइटोकांड्रियम होता है, याद रखना, सब लोग याद रखोगे। माइटोकांड्रियम, माइटोकांड्रिया कुछ किसने किया? आप किस सन में? नहीं बताए किस सन में किया था बाबू? रजत बताएंगे और नहीं सौ में कदिक नहीं बताएंगे और नहीं सौ में थोड़ी बात। तेरा नंबर आ जाओ। मनुष्य में श्वसन के द्वारा निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य के श्वसन में, श्वसन के दौरान निकलने वाली वायु की कितनी मात्रा होती है बताओ? 17। एकदम सही बोलिए लड़के। 4% अंदर रह जाता है, याद है? जैसे कि समय लेते हैं लेकिन 17 ही छोड़ते हैं, 4% अंदर रह जाता है क्रियाओं के कारण। 14 नंबर, कौन से क्रिया का ऑक्सीजन ऑक्सीजन शोषण का कामेट स्टेप कहते हैं? कॉमन स्टेप। कौन सी क्रिया को आक्षी तथा अनाक्षी श्वसन का कॉमन स्टेप कहते हैं? बताओ किसे कहते हैं कॉमन स्टेप?
नौ तो बोलोगे ग्लाइकोलाइसिस 17% तुमने चार लिख लिया नहीं लिखे वाला छोड़ दिया चुतिया बनाओ फिर नेक्स्ट तो कॉमन स्टेप जब भी पूछेगा तो किसे कहते हैं हम लोग ग्लाइकोलाइसिस को कहते हैं के चक्र की क्रिया कोशिका किस मान किसके अंदर होती है बताएंगे क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा बताओ क्रेब्स चक्र में किसका निर्माण होता है अभी पढ़ने आ गई क्या और तुमने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा रहे थे कहीं छत पर अगर कोई है तो कहीं खींचेंगे आप इसको क्लास में यही पढ़ाए थे तीन बार क्या रहते आए थे सर ऐसे नहीं चलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल तुम छत पर है अगर हम नीचे तुमको चाहो तो खींच सकते हैं और फिर आओगे फिर ठेल देंगे फिर वहाँ चले जाओगे लेकिन इसका शक्ति कम होता है याद है बताया गया था परास्पति होता लेकिन शक्ति का होता है कम होता है। हाँ क्रेब्स चक्र में बताओ किसका निर्माण होता है हाँ पायरूपी कम लिखा लिखो सब तुम लोग पढ़े हो ये सब लोग कॉम्पिटिशन में आता है क्रेब्स चक्र में किसका निर्माण होता है क्रेब्स चक्र में किसका निर्माण होता है किसका पायरूपी कमल का ठीक है तो उत्तर में लिख लो पायरूपी कमल पायरूपी सत्रह नंबर श्वसन क्रिया किसमें संपन्न होती है किसमें श्वसन क्रिया किसमें संपन्न होती है उत्तर में क्या लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया में फेफड़ा में संपन्न होती है फेफड़ा में लेकर हवा जाता है भाई हवा में लोग खींचते हो जाता है जो मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में ऑक्सीजन के अभाव में पायरूपी कमल का विखंडन किसमें होता है पायरूपी अम्ल का कल पूरा क्वेश्चन लिख ले तुम लोग छोटे भाग क्वेश्चन तो कहाँ छोड़ के चले गए हम बनाएंगे तो भी लिखोगे देख देख के अब फोन किए सब लोग चले गए कहाँ तो कहे कि हाँ चले गए कहाँ भी वहीं पर छोड़ के चले गए घर के अंदर गए थे मैं गया तो तुमने देखे हो जहाँ हम रहते थे अंदर तो कहाँ गए
वहाँ तब देखते ना एकदम स्प्रिंग सीट है, मन का तो सूत का पढ़ा, मन का तो निहूर का पढ़ा, मन का खड़ा का पढ़ा, है ना कंप्यूटर, है ना लैपटॉप, है ना मोबाइल, है ना लेमिनेशन करने वाला, है ना फोटो कापी करने वाला, है ना मैदान करना सब चलो प्रश्न बहुत अच्छा। जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरूविक अम्ल का विखंडन किस में होता है, लिख लेना। माने जो पायरूविक अम्ल बा जो मांसपेशियों में कमी होने लगती है किसकी, ऑक्सीजन की, तो किस में टूट जाता है, याद है किस में टूटता है, बोलो लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में, टूटा में लिख लो लैक्टिक अम्ल और CO2 में। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है, कौन एक है माने को हमेशा पढ़ते रहना, ठीक बा, जब आगे जाओगे तो तुम लोग को रिवीजन करने का मौका मिलेगा, इसी ने बना दिया, तुम ही लोग के लिए बना रहे, कभी भी जाना कंपटीशन में वह तो बहुत वीडियो बन जाएगा, कहीं वह आ जाएगा हमारा टक दे आई टक दे सब हो जाएगा वास्तव समय का। कौन गैस छोड़ा जाता है, तुम लोग के लिए छुप पढ़ा रहे हैं, तो हमारा बहुत विकल्प भी पढ़ा हुआ, क्या जरूरत था, समझ रहे बात को, कि आगे जाओगे कौन दिक्कत, तो उत्तर में करना नाइट्रोजन, एकदम तुम लोग कुछ बन करके ही आना है, ठीक है, क्या बन कर आओगे, बहुत नाहत अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है, बताओ अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है, याद है कौन सा होता है बाबू, सोच के बताओ, पायरूविक अम्ल हो गया, लिख लिए जल्दी से लिखो, तो जरूर याद रखना क्रेब्स चक्र में किसका निर्माण होता है, पायरूविक अम्ल, श्वसन की क्रिया किस में संपन्न होती है, माइटोकांड्रिया में, जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन का अभाव में पायरूविक अम्ल का विखंडन किस में होता है, इलेक्ट्रिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड में, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ा जाता है, नाइट्रोजन, अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है, पायरूविक अम्ल, ठीक चलाएगा। गहरी सांस के अंदर कितने लीटर गैस ग्रहण की जा सकती है, याद बा खींचोगे तो कितना गैस चला जाएगा, 6,000 मिलीलीटर जाएगा ना, लगभग 3.5 लीटर, 3.5 लीटर माने हवा के अंदर प्रवेश कर जाएगा एक बार अगर गहरी सांस लिए तो, लिखो 21 गहरी सांस लेने पर, गहरी सांस कब तुम महसूस किया हो कि हम लोग कितना सांस लेते हैं, हम कहे थे एक बार घर पर ये पूरा कपड़ा खोल के हाथों से स्पर्श करके देखिएगा कि आपका छाती कितना बार, छाती नहीं माने कितना बार आती है, जो माने फेफड़ा है कितना धड़कता नहीं है, ऊपर नीचे कंपन किया है प्रयोग, ठंडा में का खोलोगे, ये पहले तो ये सो जाते हैं बस हो गया काम, आज जाके खोल के पूरा जांच करना कि तुम्हारी एक मिनट में कितना बार कंपन करता है, कल जांच करके बताओ तभी कौन तुम लोग डॉक्टर बनोगे, पहले अपने को प्रयोग करेंगे गहरी सांस लेने पर, कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है तो काले का उत्तर में कितने लीटर
3.5 लीटर 22 नंबर। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है? सांस लेता है 12 से 16। तुम लोग अधिक लेते हो, मारो तभी तुम लोग 6-7 साल के हो, अधिक सांस लेते हो। लेकिन सांस क्या कभी रुक सकती है? क्या नहीं रुक सकते? जब जाओगे आके एक सांप आएगा, अच्छा है ना, सांप निकालोगे तो तुमको मैं दसूंगा, तब कहा के बाकी सांस का बाप होता है। सर एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी के अणु बनते हैं? एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी के अणु बनते हैं? पूर्ण ऑक्सीकरण कह रहा है से कितने एटीपी के अणु बनते, बताओ कितने? 38। अरे पापा, हाँ 24 नंबर। देखो भाई खूब अच्छा लिख रहे हैं, तुम लोग सोच के बताना इसको क्या कहते हैं। लिख रहे हैं वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना, और शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की क्षमता को क्या कहते हैं? स्वच्छवास, याद है? ये याद पढ़ना था आपको, याद कर लीजिए। वातावरण से ऑक्सीजन का ग्रहण करना और शरीर में जितने कार्बन डाइऑक्साइड बने हुए हैं उसका शरीर से बाहर निकालना, इस पूरी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आगे लिखो, फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? सब याद कर लेना, दलिए लिख रहा तुम लोग, मिटा दो पर ना, कहो लिख लियो। देखो फेफड़ों में, ये कौन था, 24 नंबर था ना, 25 का, फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? उत्तर में लिख रहा हूँ, कितने लीटर? 5.8। क्या मतलब? 58 इसका मतलब
अधिकतम लगभग 5 मीटर है। लड़कियों का फेफड़ा बड़ा होता है, ध्यान देना, पुरुष का छोटा होता है, पुरुष की तरह से कक्षित कम होती है। अगला लिखना है ऑक्सीजन का ग्रहण करना है, ऑक्सीजन का ग्रहण करना और CO2 का उत्सर्जन करने की क्षमता को क्षमता लिखना, क्षमता किसके ऊपर निर्भर करता है? बताओ किसके ऊपर निर्भर करता है? किसके ऊपर? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कल प्रश्न दिया गया था, छोड़ दिया होगा। शुरू से बस 10 लेकर, शुरू से लेकर 10। आप 10 में छोड़ दिए। तुम्हें अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो भागता है इसका मतलब है कि उसको सफलता में बड़ा मुश्किल है, तभी भाग रहा है। कब तक भागोगे बताओ? बिहार पहले मत भाग जाइए। हाँ 28 नंबर आते हैं हम लोग। उत्तर है, उत्तर देखिए चकमका भी नहीं। हाँ 27 नंबर आ जाओ। कोशिकीय श्वसन कोशिका के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? कोशिकीय श्वसन खाली गलती निकालते हो तुम लोग। कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? दो चक्रों में। ऑक्सीजन जल्दी लिखो, 30 को लिखेंगे ठीक है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अनाक्षी श्वसन होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किसमें होता है? उत्तर में कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है जब ऑक्सीजन शोषण होता है? तो अरे सही बोल रही है, नहीं अरे तुम्हारा तो गलत कह रही है। का होगा शिल्पी नहीं याद है? तुमको पढ़ाया गया ये पाठ पीछे एथिल अल्कोहल प्लस जल में। कभी एथिल अल्कोहल पिए हो? पोजिशन लेकर दिमाग खुला एक बार पी के देखो। तो नहीं कर कितना मार रहे को लीटर। आखिर बनाया गया क्यों बनाया गया? दिमाग के अंदर का नस बैठ गया है तुम लोग का, खोला खातिर मारोगे जब अंदर प्रवेश करेगा तो फूलेगा, जब नस फूलेगा तब कौन बन जाएगा नस?
चलो जल्दी से आ जाते हैं। तो कल 12 वाले बच्चे में कैसा लगा आप लोग, पढ़ने वाले कैसे थे सब? हाजी कल 12 वाले के पास बैठे थे, कैसा महसूस हो रहा था, कैसे थे पढ़ने में? लास्ट टाइम कल क्या क्या बोला है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है बताओ? ऑक्सीजन का परिवहन और रक्त को लाल करता है। नहीं तो हरियर हो जाएगी, इसी का लाल होता है। अगर नहीं रहेगा तो हरियर हो जाएगा अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो क्या होगा? ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा, हरा हो जाए तो हरा हो जाए तो प्रकाश ऑक्सीजन का परिवहन, परिवहन का मतलब लास्ट किस नंबर एक प्रश्न पूछे, अगर रक्त में हीमोग्लोबिन ना हो तो फिर भी रक्त ऑक्सीजन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करता है, कितना प्रतिशत? सोच के बताना है। हीमोग्लोबिन के अनुपस्थिति में है, अनुपस्थिति में 5.5 में छुट्टी हुआ ठीक है, रेस्ट करो ना बीच में 5 मिनट। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में रुधिर कितने प्रतिशत, रुधिर कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का परिवहन करता है? बताओ कितने प्रतिशत करता है, बोलो। हमारे तन को साफ खत्म भर 2%, 2 से 3% होता है जब रहता है नहीं, बहुत दिमाग लगाती है। चलिए मुझ का हाँ आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है, लिख लो अपना मन से कि जब हीमोग्लोबिन नहीं रहता है तो रक्त कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का परिवहन करता है? जाए लिखो 50 में पूरा कर दो। चलो नहीं करेगा, कोर लगा होगा तो। चलो विश्राम अवस्था में वयस्क की श्वसन दर होती है, जल्दी से लिखो। विश्राम अवस्था में श्वसन दर होता है कितना बताओ, बताओ। आराम करते हो तुम लोग घर पर ना, रात भर 2 बजे उठ के पढ़ते हो, तुम आराम भी किया करो, तो कितना आप सांस लेते हैं आराम की स्थिति में? 16 से 20 बार, 16 से 20 बार 32,000 और ही कम। धड़कन बढ़ जाता है, सांस दर्द सामान्य मनुष्य विश्राम अवस्था में ज्वारी आयतन होता है, ज्वारी आयतन का पढ़े थे ना, किसे कहते हैं बताओ? काम अजाल की को बताओ सर, मोटा खाली छिनको तो सर। सामान्य मनुष्य में क्या होता है, विश्राम अवस्था में ज्वारी आयतन होता है, ना होता उत्तर में लिख लो। एक 1.2 लीटर, ना 0.5, आधा लीटर होता है। 35 फेफड़ों में
फड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग है, उत्तर में लिख लो क्या हो रहा हो हमारे तो तुम्हें नीचे कर दूंगा वायु कुपिका, चौतीस उच्छ्वास के समय सिटी कहाँ जाने आना कौन से रोग की पहचान है? उच्छ्वास में सांस को छोड़ते समय, हाँ सास मोर अंगना ससुर जी दुआरे आ गजब सिट्टी मारे सैया पिछुआरे उच्छ्वसन के समय सिट्टी की आवाज, आना कौन सा रोग का पहचान है? अब स्वगो उसमें भी लिखना है फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण वाला दम्मा हो जाएगा। दम्मा के कौन नाम जानते हो? अस्थमा। हाँ टीबी भी हो जाएगा, टीबी अलग रोग है बाबू। सिटी एक आवाज आता है जिसको अस्थमा, देखियो एंग नहीं सुनाई देगा, यहाँ पर रखोगे तब तू डॉक्टर हो ना, डॉक्टर तो बनोगे। अच्छा हमारा भी इलाज तन कर देना, या पता नहीं कान रख के देख लेना कि यहाँ सिटी की तरह आवाज आता है कि मारो लाते से दम खबर तेल की तरह आवाज। खानों या कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को कौन सा रोग होने की अधिक संभावना रहती है बताओ? खानों या बताओ कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों में सबसे अधिक कौन सा रोग होने की संभावना होती है? कौन बोलो? सिलिकोसिस, बस यानी तो रेस्ट कर लो दो मिनट, ठीक है ना।